एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल डबल हैशटैग। और इतने दिन आप हमें हमारे मायके में देख रहे थे और आज से आपको मैं अपने ससुराल में मिलूंगी और ससुराल में ही आपको सारा ब्लॉग दिखाऊंगी। मैं अपने मायके से वापस आ गई हूँ और आज हमारे यहाँ बहुरा पूजा होने वाला है। और बहुरा पूजा क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस दिन बहन अपनी भाई के लिए करती है बहुरा पूजा और बहन फास्ट, पूरे दिन फास्ट रखती है और शाम में 7 से 8 के बीच पूजा करती है। और ये कहीं भी आई थिंक नहीं होता है, कहीं मगह में भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पूजा आपको भोजपुर में देखने को मिलेगा। शादी हुई है वो भोजपुर कल्चर में हुई है तो यहाँ पे ये मनाया जाता है। मैं भी ये मेरी दूसरी बार देख रही हूँ बहुरा पूजा और मैं भी करने वाली थी लेकिन इनफैक्ट मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और आपको आवाज़ से पता चल ही गया होगा कि मेरी आवाज़ कैसी है और कैसी पहले थी और अभी कैसी है तबीयत खराब में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पूजा कैसे मेरी मदर इन लॉ की है। और जो भी है छोटा मोटा दिन भर मैंने जो किया है आज वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा पूरा ब्लॉग। ये देखिए लगेज है मेरा और मैं अभी इसे रखी नहीं हूँ। जैसे मैं आई हूँ मायके से वैसे का वैसे पड़ा है। तबीयत मेरी इतनी ख़राब है कि ये देखिए मम्मी मेहंदी लगवा रही हैं जया से। बहुरा पूजा भूखी हुई हैं, मेहंदी लगा रही है। जया कैमरे की तरफ देखी फिर अपना लग गए मेहंदी लगाने में। मम्मी देख रही है टीवी, गुम है किसी के प्यार। यहाँ देखिए मम्मी अब मेहंदी लगाने के बाद अब पैर रंग रही हैं, तैयार हो रही हैं पूजा के लिए। धीरे धीरे अपना लगा रही हैं। आई थिंक फाइनली अब मम्मी का पैर रंग आ गया। फाइनली ये देखिए मेरा चाय बन रहा है, उबल रहा है मेरा चाय। चाय उबल गया है। अब देखिए 2 कप चाय है, एक मैं और एक मेरे जो देवर जी हैं वो पियेंगे। आज मम्मी का फास्ट है। ये देखिए अभी मैं नेनुआ छील रही हूँ। हमारे यहाँ नेनुआ छील के ही सब्जी बनता है, बहुतों के यहाँ देखते हैं बिना छीले हुए बनता है। बिना छीले हुए थोड़ा सा खरखर लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन छील के बनाने पे गल जाता है और अच्छा लगता है। और इसमें आप चना का दाल डाल के बनाइए या चना साबुत चना डाल के बनाइए, अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा जो नेनुआ है वो छिला गया है। अब मैं इसे काट रही हूँ, लंबा लंबा काटूंगी। 2 शेप में कटता है, गोल गोल और लंबा लंबा। मैं मेरे यहाँ सब लंबे लंबे पसंद करते तो मैं लंबा लंबा काट रही हूँ। ये मेरे यहाँ नेनुआ बोला जाता है और मेरे मायके में घ्यूरा बोला जाता है। और आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है इसको इसको तो आप कमेंट्स करके हमें बताना कि क्या बोला जाता है। फ़िलहाल देखिए मैं अभी कट कर रही हूँ। मेरे यहाँ प्याज पड़ता है इसमें तो मैं अभी मैं प्याज कट करूँगी। देख रहे हैं मैं प्याज कट कर रही हूँ और मैं बोल रही थी लेकिन बैकग्राउंड इतना नॉइज़ था कि मैं सोची वॉइस ओवर कर लूँ। ये देखिए फाइनली मैं छौंक ली हूँ नेनुआ को चना डाल के। अब मैं इसे धीमी आँच पे छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे मम्मी के साथ ऊपर जाना है, थोड़ा शूट करना है ब्लॉग। भाई खातिर अपना कोई भी बहन करे ली भाई के रक्षा खातिर पूजा के नियम है कि गाय शाम में 7 से 8 के बीच में कर जाला। गाय बन्हा जाले तो गांव में ढेर नियम ढेर विधि है लेकिन इतना एजवा उतना सुविधा सुख नहीं है तो नॉर्मल जैसे रोज हम पूजा करी ला उसी पूजा कैले बनी। जौ के सातु सिंहोरा और अथी पंडित जी अथी करवेलन कथा कहवावेलन लेकिन एजा सुविधा नहीं थे तब जैसे नॉर्मल जो रोज हम जो पूजा जैसे करी ला उसी पूजा हम कैले बनी। भाई के रक्षा खातिर सब बहन के करे के चाहिए। उपास रहो रात में शाम में 7 से 8 तक ही पूजा करे के चाहिए, बहुत अच्छा है। एक हला फलहार पानी एक हला पिए के चाहिए पूजा कैला के बाद में शाम में।
ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पूजा घर है ससुराल का। और मम्मी पूजा कर ली है, प्रसाद चढ़ा दी है, दीप जला दी है। और अब देखिए, ये है रानी, ये पूजा कर रही हैं। जया को आप लोग जानती होंगी, जया की कज़न सिस्टर हैं। ये आ गई पूजा करने के लिए, तो मैं सोची रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं बोली कि लाइए मैं भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आपका भी ब्लॉग में आ जाइए। तो ये हंसने लगी थी। फाइनली ये पूजा कर ली है, अब जा रही है। ये हैं जया की बुआ और मेरी मम्मी, और ये है कुंज गोदी में, तीनों लोग पूजा करने के बाद। तो ये लोग भी ब्लॉग में, मैं सोची क्यों नहीं इनको भी शामिल कर लूँ। अब देखिए मम्मी पूजा करके नीचे आ गई और अब फलाहार कर रही हैं। और कहा जाता है फलाहार एक ही जगह बैठ के करना चाहिए, और जो भी लेना है, चाहे आप चाय पियो, दूध पियो, या फलाहार जो भी फल खाना है, वो एक ही जगह बैठ के, एक ही बार बैठ के करना रहता है, दोबारा नहीं। तो देखिए मम्मी दो जगह निकाली है, एक में अग्रासन निकाली है और एक में अपने लिए फलाहार करने के लिए निकाली है। अभी देखिए गाय के लिए निकाली है। अग्रासन जो होता है उसे प्रसाद कहते हैं, भोजपुर में प्रसाद को अग्रासन कहा जाता है। और पहली बार मैं सुनी थी तो मुझे हंसी लग रहा था, लेकिन अपने अपने कल्चर में अलग अलग तरह से हर चीज़ को बोला जाता है, तो यहाँ भी वही है, अग्रासन इसको बोला जाता है प्रसाद को। अब मम्मी फाइनली अब वो प्रणाम करके के फलाहार करेंगी। रात के 8 बज रहे हैं और मैं अभी वॉशिंग मशीन चला रही हूँ, कपड़े वॉश हो रहे हैं इसमें, और उसके बाद अभी छोड़ दूँगी, सुबह में से मम्मी धूप दिखा देंगी और ये सूख जाएगा। देख रहे हो अभी मैं, मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन चल रही है, जब टाइम मिले तब वॉश कर लो। और बज गए हैं 10 और मैं अब बस कर रही हूँ, अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ अपने वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। बाय बाय, लव यू टू ऑल।